मंदसौर के सिलावट गली जनकोपुरा में परिवार के लोगों ने ही चार लोगों के साथ घर में घुसकर की जमकर मारपीट। मंदसौर कोतवाली थाना क्षेत्र के सिलावट गली जनकोपुरा में रहने वाले राधेश्याम कुमावत की बेटी और धर्मपत्नी के साथ व अन्य लोगों के साथ जमकर मारपीट की। घायल अर्चिता द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए 1:40 पर गुरुवार को बताया कि मेरे काका का लड़का शराब के नशे में आया और मेरे व अन्य लोगों के साथ जमकर मारपीट करने लगा। बाद में मेरे काका आई और मौके पर पहुंचे, उनके द्वारा भी मारपीट करना शुरू कर दी। मुझे लात घूंसे मारे गए हैं। घायल हर्षिता द्वारा कहा गया कि जिन लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। घायल लड़की के पिता राधेश्याम द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मेरा बेटा उन्हीं के घर पर कुछ महीनों से रह रहा है और किसी से मिलने भी नहीं देता है। मेरा भाई हमारे ही परिवार का एक व्यक्ति उनके घर पर जब बातचीत करने गया और उसके बाद वह लौटा तो हमारे घर पर सचिन और जगदीश ने आकर जमकर मारपीट की और कहा कि तुमने मेरे घर पर भेजा और मेरी बेइज्जती करवाई है, जिस पर तीन लोगों से चार लोगों के साथ सचिन और जगदीश ने जमकर मारपीट की। ऐसा आरोप घायल परिवार द्वारा लगाया गया। कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए गुरुवार को बताया कि परिवार का ही विवाद था और शुभम नामक युवक जो कि अपने ही काका के यहाँ रहता था और उसे उसके ताऊजी समझाने गए थे और ताऊजी के जाने के बाद सचिन और जगदीश ने राधेश्याम के घर पर पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया और मारपीट की, जिस पर राधेश्याम की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज का मामला दर्ज किया। कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि तीन लोगों के साथ मारपीट की है और घायल परिवार द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि लगभग चार लोगों के साथ मारपीट कर गाली गलौज की गई है। मंदसौर कोतवाली पुलिस ने भी मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। सिलावट गली जनकोपुरा मंदसौर में रहते हैं। मेरे अंकल का लड़का नशे में आया रात को 10:30। उसने सबको, पहले तो पापा बड़े दीदी को हाथ उठाया, उसको बचाने गए तो मम्मी पापा सबको मारा और मुझे लातों से पेट में मारी। मेरी तबीयत रात को ही सीरियस हो गई थी और वो नशे में था, बहुत ज़्यादा दूध, बहुत धमाल करी उसने, मारकूट बहुत ज़्यादा करी हम सबके साथ। किस बात को लेकर मारपीट करी? पता नहीं है, वो अचानक आया, हमारे बोलचाल नहीं थी इतने सालों से और वो अचानक आया है और उससे मैं कोई गया था तो बोला कि तूने लोगों को मेरे घर क्यों भेजा, जबकि हमने लोगों को नहीं भेजा था। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? वो अकेला ही आया था गाड़ी लेके, उसके बाद फिर मेरे काका आए थे पीछे से, उसने भी मारकूट करी। दो लोगों ने मारपीट करी? हाँ। कितने लोगों के साथ मारपीट करी आप लोगों? हम चारों को साथ करी और गली में दो तीन जने मेहमान आए हुए थे, उन्होंने भी किए, उनके साथ भी किए। आप क्या चाहते हैं? उनको सजा मिले, हम लड़कियों को हाथ उठाने पे मेरे माँ बाप को बिना फालतू में मारने के लिए उनको सजा दी जाए। और मेरे भैया को धमका रखा है, मेरे भाई को किडनैप कर रखा है, उसको उस घर से निकाला जाए। मतलब मेरा भाई जगदीश और सचिन दोनों आए और चारों जनों के साथ हाथापाई करने लग गया, मारकूट करने लग गया। ने फिर वो जहाँ वो समझाने गए थे ना मेरे बड़े पापा, तो वहाँ वो उन्होंने क्या घर पे काय के लिए पहुँचाया थे, इसलिए उस बात पे मारकूट करने लगे और धमकी देने लगे। इसको घर पहुँचाया? वो हमारे बड़े पापा जब गए थे वहाँ मिलने, वो छोरा अपना दो महीने से उनके पास रह रहा है, तो वो न तो उससे मिलने दे रहा किसी को और न किसी को आने दे रहा वहाँ घर पे। अच्छा, आप लोगों कितने लोगों को मारा? आप लोगों को चार जने को। हाँ, कितने लोग थे मारने वाले? मारने वाले दो जने थे। काय से मारा आपको? वो हाथों लातों गुस्से सबसे मारा। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हाँ, कार्रवाई चाह रहे हैं ना। क्या थाने में रिपोर्ट कर दी? रिपोर्ट कर रखी है थाने में। क्या नाम आपको? राधेश्याम। ठीक है। सिलावट गली जनकोपुरा के रहने वाले राधेश्याम जी ने एक शिकायत करी है कि उनका बेटा है शुभम, जो उन्हीं के छोटे भाई जगदीश के पिछले दो महीने से रह रहा था, तो उसको इस बात के समझाने के लिए कि वो अपने घर वापस आ जाए। इन दोनों के, चूँकि दोनों सगे भाई हैं, इनके ही एक बड़े भाई हैं बाबूलाल जी, वो आए थे तो जगदीश के घर उसे समझाने गए थे, तो वो चले गए। उसके बाद जगदीश और उसका बेटा सचिन राधेश्याम जी के घर आया, वो दरवाजे पर ठोका पिटी करी और इन लोगों को बाहर बुलाया कि तुमने दूसरे लोगों को मेरे घर भेजा और बेइज्जती कराई। इस बात पर लेकर उन्होंने, दोनों पिता पुत्र ने, अपने ताऊ जी के साथ और ताई और उनकी बेटियों के साथ मारपीट की, जिस पर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।